हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रही है स्टॉक की 1670 रुपये के आसपास। ठीक है, 1670 रुपये के आसपास नजर आ रही है एक सपोर्ट। उसके बाद स्टॉक में कोई अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इस तरह से शिफ्ट हो रहा है स्टॉक। तो संभावना है स्टॉक नीचे जा सकता है यहाँ से इस तरह से, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्टॉक नीचे और ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे बात हम करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो स्टॉक के नीचे जाने की संभावनाएं बन जाती है। दूसरी बात है कि स्टॉक काफी तेजी से ऊपर भागा था तो अब गिरना भी है। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जिसका स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी स्टॉक इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेगा। यदि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर स्टॉक में एक नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात कर लें सपोर्ट की। सपोर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और कोई ऐसा सपोर्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा। एक सपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1798-1800 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट चेंज स्टॉक का हो सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए 1970 रुपये का। ठीक है, तो अभी से स्टॉक्स में वेट करें, बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें खरीदारी करने के लिहाज से। ठीक है, बाकी आपका खुद का रिसर्च है, आप खुद से सोच सकते हैं कि स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।